कर दो, ज्यादा लाइट नहीं है ना, कर दो कर दो कर दो, तुम्हारा ब्रांड भी दिखा दे। आ रहा है ना दोबारा, भाई सुनो ना, चश्मे का क्लियर फोटो ना आतिश। हाँ ये स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट। फोटो है क्या स्पेशल, आप क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को जिसको जो आपको देख रहे हैं, और क्या कहना चाहेंगे कि क्या पर्टिकुलर रीजन है इस चीज को लेकर? देखिए अभी पूरे इंडिया में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है शहनाज गिल और आसिम रियाज को लेके। आसिम रियाज का नाम ऑलरेडी कंट्रोवर्सी से हमेशा से जुड़ा रहा है, और धोखेबाज आसिम रियाज का ऑलरेडी ट्रेंड चल चुका है। और अभी जो आसिम रियाज ने एक बहुत बेहुदा ट्वीट शहनाज गिल के लिए किया है, तो फैज़ान अंसारी शहनाज गिल के सपोर्ट में आज आ गया है। मैं आपको ट्वीट बता देता हूँ जो आसिम रियाज ने ट्वीट किया है। जस्ट सॉ यू डांसिंग क्लिप, सीरियसली पीपल गेट ओवर लव वंस सो सून, क्या बात क्या बात, हैशटैग न्यू वर्ल्ड। तो मेरा मैसेज है आसिम रियाज को, भैनचोद नल्ले कश्मीरी, चूतिया समझता है हम लोगों को क्या तू? शहनाज गिल हिंदुस्तान का दिल है, और तू हिंदुस्तान के दिल को छेड़ेगा ना, हिंदुस्तान तुझे चीर के रख देगा साले चूतिये कश्मीरी, और तुझे बहुत जल्दी कश्मीर वापस जाना पड़ेगा, तू ये सब जो हरकतें कर रहा है। नहीं ये बताइए आप मुझे, ये जो उन्होंने जो भी ट्वीट किया है वो हालांकि बहुत ही हार्टनिंग है, लेकिन फिर भी आप इतनी नाराज़ क्यों, इतना गुस्सा, इतना एग्रेशन क्यों है? इसलिए कि शहनाज गिल एक बहुत बड़े सदमे से अभी उभर के आई है, सिद्धार्थ को उन्होंने खोया, सिद्धार्थ भी हिंदुस्तान का दिल था, और आसिम रियाज ने तो सिद्धार्थ को नहीं छोड़ा यार। आप अगर देखेंगे पहले बिग बॉस सीजन में, सिद्धार्थ शुक्ला को उन्होंने धोखा दिया जिसने उनको बिग बॉस हाउस में सपोर्ट किया था, इसीलिए आसिम रियाज वो बिग बॉस सीज़न जीत नहीं पाए थे, और उमर रियाज उनके भाई ने फैज़ान अंसारी को धोखा दिया, चीट करा, इसलिए इस सीज़न में उमर रियाज भी जीतने वाले नहीं हैं। ये बताइए मुझे, उनका जो व्यक्तित्व है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना उनका काम है, तो ये जो किया है ये ट्वीट, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए क्या क्या पर्सनल कुछ ग्रजेस है उनको शहनाज से, या उनका बिहेवियर ऐसा है कि उन सबसे पंगा लेते हैं, क्या रीज़न क्या है? पंगा लेने की उनकी औकात नहीं है, और मैं तो कहना चाहता हूँ आसिम रियाज के, तू अगर बॉम्बे में रहता है तो फैज़ान अंसारी भी बॉम्बे में रहता है, तो जहाँ बुलाएगा फैज़ान अंसारी वहाँ अकेले आएगा, पंगा लेने की इनकी औकात नहीं है। इनकी एक्चुअली इनकी आदत क्या है, इनके नेचर में है, इनके ब्लड में है किसी को भी नीचे दिखाना, अभी शहनाज को नीचे दिखाया उन्होंने। तो मेरा मैसेज सिर्फ ये आप लोगों को है कि अगर सिद्धार्थ शहनाज के साथ नहीं है तो फैज़ान अंसारी शहनाज के साथ है, और फैज़ान अंसारी बराबर जवाब देगा इस बात का। ये भी बताइए आप फॉलो कर रहे हैं बिग बॉस को, पहले से उनको नोटिस कर रहे हैं, उनका अनयूजुअल बिहेवियर सिद्धार्थ के साथ भी शायद था जो कि लोगों को पसंद नहीं आया, उसके लिए बताइए क्या कहना चाहेंगे, वो कितना हार्टनिंग था उस वक्त जब वो शो पे? ऑब्वियसली बहुत ही अफसोस की बात थी जो उन्होंने पहले किया था, और उन्होंने सिद्धार्थ की डेथ पे जाके फिर जो मगरमच्छ के आंसू बहाए हैं वो भी सबको मालूम है। अभी इनकी सच्चाई जो है पूरे इंडिया के सामने आती जा रही है, फैज़ान अंसारी पूरी कोशिश में लगा है कि इनकी सच्चाई लोगों को बताए और इनको कश्मीर वापस भेजे। ये बताइए मुझे, आप इस बात को लेकर नाराज़ हैं, बिग बॉस कंटेस्टेंट रहे दोनों, आपको क्या लगता है कि क्या रिजोल्यूशन होना चाहिए इस चीज़ का, उनको अपना बिहेवियर चेंज करना चाहिए, क्या चाहते हैं आप अपनी तरफ से, क्या चाहते हैं? देखिए उनको उनको माफ़ी मांगना चाहिए, मेरा अभी ऑलरेडी मेरे
6-7 इंटरव्यूज़ हो चुके हैं यहीं पे, मैं सब इंटरव्यूज़ में आप नहीं थे, आपको पता होगा या आप टेलीविज़न पे देख सकते हैं, मैंने यही कहा है कि पूरे इंडिया के सामने आके उन्हें शहनाज से माफ़ी मांगना पड़ेगी, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना पड़ेगी, नहीं तो फैज़ान अंसारी को रोकना बहुत मुश्किल है। आप अगर माफ़ी मांगते हैं तो क्या आप पैचअप करने वाले हैं उनसे, आप अगर फ्रेंडली रिलेशन रखने वाले क्या करने वाले? नहीं, मैं तो फैज़ान अंसारी एक कॉमन मैन है, मुझे तो इन सब चीज़ों का कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं चाहता हूँ वो पूरे मीडिया के सामने आके, पूरे इंडिया के सामने शहनाज गिल से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, क्योंकि अभी वो फंस गए हैं तो अभी वो झूठ भी बोल रहे हैं कि मैंने अपने किसी और के लिए कहा था, बट हिंदुस्तान की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं जितना ये कश्मीरी आसिम रियाज समझता है। लास्टली ये बताइए, अगर उन्होंने ऐसे इंडिसेंट बिहेवियर दोबारा किया तो आपकी तरफ से क्या रिएक्शन? मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, उनके घर में घुसूंगा सीधे, अभी मैंने सारे इंटरव्यूज में कहा आज फैज़ान अंसारी आसिम रियाज के घर में घुसेगा अगर अब उसने ऐसी कोई गलती हरकत करी तो, क्योंकि ये अभी पानी सर से ऊपर होता जा रहा है, ये कश्मीरी हिंदुस्तान में जो हरकतें कर रहे हैं और हिंदुस्तान की लड़कियों के लिए यार, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी शहनाज गिल, इतना लोगों से जुड़ी हुई, शहनाज गिल से हर इंसान प्यार करता है, शहनाज गिल का दिल इतना अच्छा है, इतने बड़े सदमे से अभी उभरी है और उसके पीछे वो पड़ गए हैं, फैज़ान अंसारी अभी छोड़ेगा नहीं इन दोनों भाइयों को। थैंक यू वेरी मच।